कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। आज की खबरों में बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, खाद्य तेल का जो बाजार है आज यहाँ कैसी कीमतें चल रही हैं, लोकल बाजार में सोयाबीन सरसों के मार्केट में आपको आज कैसा कारोबार देखने को मिल सकता है, विस्तार से आपको इस बारे में बताएंगे खबरों में आगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो खाद्य तेल के बाजार के बारे में बात करते हैं। बाजारों में आज आपको यहाँ से स्थिरता के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। हल्की फुल्की बाजारों में रिकवरी आज आई है। लोकल जो मिल का बाजार है यहाँ पर हल्की फुल्की नाम मात्र की आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप तेजी देखेंगे तो उस तरह से कारोबार फिलहाल के लिए मार्केट में नहीं हो रहा है। सोयाबीन के मार्केट में उत्पादक राज्यों में जो अभी सोयाबीन आ रही है उसके जो दाम है वो सीमित नजर आ रहे हैं। व्यापारियों का मानना ये है कि दैनिक आवक घरेलू बाजारों में, घरेलू जो मार्केट है यहाँ पर अभी भी सेम है। बहुत ज्यादा ना तेजी देखी जा रही है ना बहुत ज्यादा मंदी देखी जा रही है। प्लांट जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो आने वाले समय में बहुत बड़े अगर एक तरफा अगर आप देखेंगे कि एक तरफा तेजी जो आएगी, इस चीज़ के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। सोयाबीन और सोया ऑयल के जो दाम हैं बाजारों में, शिकागो के मार्केट में आज वो तेज खुले हैं। सोया मिल में हल्की सी आपको यहाँ से नरमी बाजारों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सोयाबीन का जो मार्केट है यहाँ पर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल काफ़ी दबाव में है क्योंकि अमेरिकी स्टॉक बढ़ रहा है, क्योंकि घरेलू बंदरगाहों में आपूर्ति तंग है, इसलिए सोया तेल में ज़्यादा तेजी नहीं है और मंदा तो बाजारों में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। सोया तेल का जो लक्ष्य है 980 से 1000 रुपये के बीच नजर आ रहा है। मार्केट में 1000 तक का लेवल भी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। सरकार जल्दी विदेशी तेलों पर ड्यूटी का फैसला ले सकती है और व्यापार को उम्मीद ये है कि ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, जिससे अच्छी तेजी आने का भी अनुमान है। सरकार आज या जल्द में ही सोयाबीन, कपास आदि के समर्थन मूल्य में वृद्धि कर सकती है, जो कि खाद्य तेलों में आने वाले समय में उठाव ला सकता है। अब बात करते हैं किस तरह से सोयाबीन में बाजारों में आज रेट चल रहा है। तो सोया ऑयल में जो रेट देखा जा रहा है, महाराष्ट्र में लातूर में धनराज प्लांट में कीमतें 4700 एडीएम प्लांट का रेट 4540 है। विजय प्लांट में कीमतें 4600 हैं। ऑक्टेगन प्लांट में आज का रेट 4650 है। धुलिया में डिसाम प्लांट में कीमतें 4675 चल रही है। नाडेड में श्रीनिवास एग्रो प्लांट में आज का रेट 4580 है। सोया ऑयल में जो रेट है महाराष्ट्र में डिसाम प्लांट में 990 है। धनराज प्लांट में कीमतें 965, एग्रो प्लांट का रेट 980 है। श्रीनिवास प्लांट में कीमतें 960 है। मध्य प्रदेश में प्लांटों में प्रकाश प्लांट में आज का जो रेट है सोयाबीन का वो 4710 है। प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें 4710 है। धनुका प्लांट में आज का रेट 4735 देखा जा रहा है और सवरिया प्लांट में 4725 रुपये तक का आप बाजारों में यहाँ से रेट देख कर चल सकते हैं। मध्य प्रदेश में इसके अलावा धनुका प्लांट में कीमतें आज की 955 है। प्रकाश प्लांट में रेट 970 है। महेश प्लांट का रेट 970 है और अभी प्लांट में 970 रुपये तक की बाजारों में आज यहाँ से आपको यहाँ से कीमतें देखने को मिल सकती हैं। बहुत ज़्यादा ना तेज़ी है मार्केट में, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट सोयाबीन के बाजारों में देखी जा रही है। मार्केट में आपको आज के दिन एक स्थिरता के साथ आप यहाँ से कारोबार देख कर चल सकते हैं सोयाबीन के बाजार में। खबरों में आगे बात करेंगे इस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, जो लोकल मिल का बाजार है यहाँ पर आज कैसी कीमतें चल रही हैं, कैसे रेट देखे जा रहे हैं, कैसा कारोबार चल रहा है, आपको विस्तार से खबरों में इसके बारे में आगे बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल बाजार संबंधित मार्केट को उतार चढ़ाव, तेजी मंदी की जानकारी चाहिए, मार्केट प्रेडिक्शन अगर आप जानना चाहते हैं या फिर अगर आपके कोई सवाल है खाद्य तेल बाजार संबंधित जानकारी के लिए, तो आप उन सब के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पर कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो खाद्य तेल के बाजार के बारे में बात करते हैं। जो घरेलू बाजार है यहाँ पर आपको यहाँ से आज के दिन स्थिरता के साथ कामकाज देखने को मिल सकता है। बाजार स्टेबल है। घरेलू मार्केट में जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। डिमांड हल्की सी कमज़ोर है घरेलू खाद्य तेल बाजारों की। एक तरफा आपको बाजारों में तेजी अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। मलेशिया में अगर देखा जाए तो पाम तेल में अगस्त महीने का जो अनुबंध है उसमें 37 रिंगिट तक की तेजी आकर 3968 रिंगिट प्रति टन तक बाजारों में इसका लेवल पहुंच चुका है। मलेशिया पाम तेल उत्पादन और स्टॉक मजबूत है, निर्यात कमजोर है। केएलसी में मजबूत होने के प्रयास भी विफल नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा आज के दिन तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं गया है। मामूली सी बाजारों में हल्की सी रिकवरी आई है। 1 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बाजार बढ़ा है। होलसेल का मार्केट वनस्पति में आज का जो रेट है 15 किलोग्राम का वो 1670 है। पामलिन में कीमतें 15 किलोग्राम की 1530, एक लीटर पामलिन का रेट 93 है। सोया ऑयल में कीमतें 15 किलोग्राम में 1630 चल रही है। एक लीटर सोया ऑयल में रेट 98 है। फॉर्च्यून में रेट 15, लीटर में 1700, एक लीटर का रेट 120 है। बेस्ट चॉइस में कीमतें सोया ऑयल रिफाइंड का जो रेट है एक लीटर में 93.50 रुपये है। पामलिन में कीमतें 87 रुपये एक लीटर में चल रही हैं। बिनौला का रेट 10 किलोग्राम में 980 है। सनफ्लावर में कीमतें 10 किलोग्राम में 1000 है। मूंगफली में रेट 10 किलोग्राम में 1450 है। राइस ब्रांड में रेट 92 है। सोया ऑयल में कीमतें 100 है। सोया डीओ का रेट 98 है।
मस्टर्ड में जो रेट चल रहा है उत्तर प्रदेश में 120, एक्सप्रेस कीमत 118 है, पामोलिन में आप 92.50 रुपये तक का बाजार में आप यहाँ से रेट देकर चल सकते हैं। ओवरऑल आज के दिन जो बाजार में ट्रेंड है वो स्टेबल ही देखा जा रहा है। बाजारों में हल्की फुल्की आज गिरावट, हल्की फुल्की आज थोड़ी सी बहुत नरमी आई है, लेकिन एक तरफा बहुत ज़्यादा तेज़ी फिलहाल देखी नहीं जा रही है। इसके अलावा बात करेंगे खबरों में आगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सरसों सीड के बाजार में। तो सरसों तेल उत्पादक संघ के अध्यक्ष का कहना यह है कि सरसों उत्पादन हमारे पूर्व अनुमान से घटने की संभावनाएं नहीं है, फिर भी जुलाई में दोबारा से समीक्षा करी जा सकती है। फिर निफेड की सरकारी खरीद जून अंत में बंद हो सकती है, लेकिन सरकारी बिक्री समर्थन मूल्य से काफी नीचे संभव नहीं है। सरसों में अगर देखा जाए तो फंडामेंटल जो है सरसों का वो बहुत ज़्यादा मंदे की ओर नहीं है। स्टॉकेट्स और हेफेड की बिकवाली का हल्का फुल्का दबाव बना हुआ है और पिछले 4-5 दिनों से सरसों की सरकारी बिक्री पर भी दबाव बनता है, लेकिन बड़ी गिरावट नहीं होती है। सरसों की फंडामेंटल मजबूत होने के संकेत नजर आ रहे हैं। रेट अगर आज देखेंगे तो रेट बाजारों में स्टेबल ही है, बाजारों में ना लेवल से गिरावट आई है ना ही बाजारों में तेजी आई है। कल के दिन शाम के टाइम भरतपुर का बाजार 25 रुपए तक बढ़ा था, जो कि प्रमाण है कि सरसों में मंदा नहीं है, हालांकि बड़ी तेजी भी नजर नहीं आ रही है। सरसों तेल जयपुर कच्चीघानी में 1169 रुपए तक का रेट देखा गया, मांग हल्की सी कमजोर है, स्टॉकेट से खरीदारी कर रहे हैं इसीलिए बहुत ज्यादा मंदा नहीं है। जुलाई में 1200 रुपए तक का लेवल भी कच्चीघानी का आप बाजारों में देखकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं रेट क्या देखे जा रहे हैं सरसों सीड में। तो आज रेट बाजारों में स्टेबल है, 6125 का रेट जयपुर में, दिल्ली में कीमतें 5975 है, बरवाला का रेट 5725 है, ग्वालियर में आज कीमतें 5700 है, हिसार का रेट 5700 है, गोलकोटा में कीमतें 5850 है। मस्टर्ड ऑयल में अगर आप देखेंगे एक्सप्रेस में आज कीमतें 1165 है, दिल्ली में रेट 1145 है, भरतपुर में रेट 1140 है, कच्चीघानी में रेट जयपुर में 1175 है, कोटा में कीमतें 1190 है। भरतपुर में आज की कीमतें कच्चीघानी में 1160 देखी जा रही हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगर प्लांट के बारे में तो सलोनी शमशाबाद प्लांट में आज का रेट 6475 रुपये है, सलोनी डिग्रेन में कीमतें आज की 6475 है, सलोनी अलवर में आज का रेट 6350 है, सलोनी कोटा में कीमतें आज की 6375 चल रही हैं। ओवरऑल मार्केट में आज का ट्रेंड आपको यहाँ से सरसों सीड में स्टेबल देखने को मिल सकता है, फंडामेंटल में मजबूती है, इसी वजह से आने वाले टाइम में और भी बाजारों में आपको यहाँ से दोबारा से कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी। दैनिक आवक देश भर में 6 लाख बोरी के आसपास की हुई है, पिछले कारोबारी दिवस में 3 आवक हुई थी, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं देखा गया है। आज से कल से लेकर आज तक रेट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बाजार स्टेबल है। ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड जो आप देखेंगे वो फ्लैट टू पॉजिटिव है, एकदम से लंबी चौड़ी तेजी आने का अनुमान नहीं है, लेकिन बाजार यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे जाता हुआ अभी नजर फिलहाल के लिए नहीं आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।